हमारे आयुष मिनिस्टर माननीय श्रीपाद जी ने 10 दिन से वो मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट हैं और 10 दिन से उनके ऊपर ट्रीटमेंट चल रही है। और एक बार एम्स की टीम भी यहाँ आके चली गई है, उनके कंसल्टेशन दिया है और उनको पूरी तरह से देखा है और देख के ये भी वेरीफाई किया है कि उन्होंने जो उनको अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट यानी एम्स में मिल सकती थी वही ट्रीटमेंट मणिपाल अस्पताल में मिल रही है। मैंने खुद वो रिवाइव किया है, 2 बार मीटिंग लेके मणिपाल के डॉक्टर्स, हमारे गोवा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और एम्स के डॉक्टर, इनके साथ में मैंने भी बोल के डिस्कस, वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट उनको स्टेट में मिली, यही हमारी कोशिश है। और वैसे उनकी तबीयत सुधर भी रही थी, लेकिन फिर से एक बार थोड़ी सी उनका ऑक्सीजन सेचुरेशन यानी आज सुबह से थोड़ा डाउन हो गया है, कम हो गया है, और इसी के वास्ते फिर से एक बार हमने रिव्यू लेना स्टार्ट कर दिया। वापस से मैंने आज हेल्थ मिनिस्टर से बात करके यानी मेरी गोवा मेडिकल कॉलेज की टीम फिर से एक बार आज मणिपाल हॉस्पिटल में आई है और हो सकता है तो एम्स के डॉक्टर भी, हमने कोशिश किया है, मैंने हेल्थ मिनिस्टर से बात करके यानी एम्स के डॉक्टर्स भी आज फिर से एक बार गोवा स्टेट में आ सकते हैं उनके फिर से एक बार रिव्यू लेने के लिए। लेकिन हम पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं कि उनको अच्छे से ट्रीटमेंट यहाँ मिले और इसीलिए अकॉर्डिंग टू द मॉनिटरिंग ऑफ द एम्स के डॉक्टर से उनके ट्रीटमेंट आगे की हो जाए। ऐसा कुछ ये हुआ तो दिल्ली को शिफ्ट करने के लिए भी ऐसा डेट डॉक्टर विल डिसाइड, एम्स से जो डॉक्टर आ रहे हैं वो डिसाइड करेंगे।